सर सामने लिट्टी चोखा की बात है, ठीक है, अच्छा है, बिहारी व्यंजन है, खाना पीना चाहिए, लेकिन लिट्टी बनाने वाले का क्या? जिसने लिट्टी बना करके खिलाया वो तो पलायन करके गया, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के। और अच्छा बात होता आप लिट्टी चोखा खा रहे हैं, लेकिन बिहारी भाइयों का क्या होगा जो वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, विशेष पैकेज को लेकर के, जो विशेष राज का दर्जा को लेकर के, जो आपका आयुष्मान भारत जो इनकी योजना है उसमें एक पैसा बिहार को इन्होंने नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार है तो और भी अच्छा लगता कि डबल इंजन की सरकार जो है स्पेशल पैकेज दे रही है। बाढ़ फ्लड के लिए एकदम जो है इग्नोर कर दिया गया बिहार को, बल्कि बिहार का सबसे बड़ा इशू बाढ़ समाज में आधा बाढ़ से जो है बिहार के लोग जो है तबाह रहते हैं। फिर प्रधानमंत्री को थोड़ा नजर डालना चाहिए था, काम करना चाहिए। ठीक है, खाना पीना चलता रहता है, इलेक्शन है तो ठीक है, लेकिन कम से कम इनका क्या आपने किया? आप कहते थे कि मोतिहारी वाला जो शुगर मिल जाए, तो 14 के चुनाव में कहते थे, 15 में कहे कि जो है अगले बार आएंगे तो यहीं के चीनी मिल का चाय पियेंगे, वो तो बंद पड़ा हुआ। जो भी आदित्यनाथ ने कहा है कि सीएम के दौरान जो मौत हुई है, यूपी में अगर मरने आएगा तो लगातार दूसरी घटना है 10 दिनों के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के ठीक गेट के सामने एक युवक ने आत्मदाह किया, लगातार दूसरी घटना है, और आज फिर से जो है ऐसी घटना की गई। और किस लिए कर रहे हो? तो जायज मांग के लिए कर रहे हो, और अगर कुछ गलतियां हो रही है सरकार द्वारा उसको सुधारने की मांग की जा रही है, तो लोग डंडे बरसाने का काम कर रहे हैं। सरकार को गलती मानने के बजाय, अपनी गलती को सुधारने के बजाय ये जिस प्रकार से डंडे चलवाने का काम कर रहे हैं, तो आखिर कहाँ जाएगा लोग न्याय के लिए? और हम लोग लगातार उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार जो है उसको चिंता है बस अपनी कुर्सी की। तो लगातार जो है नौजवान परेशान है, बेरोजगारी जो है इतना बढ़ गया है लोग, तो आप समझ सकते हैं बिहार जो बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है लोगों को कितनी तकलीफें हो रही है। लेकिन चिराग जी बता रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं, उनका भी यात्रा निकल रहा है, नीचे मना ही है क्या? आपको स्क्वाड नहीं मिला था उस दिन, आपको घंटों इंतजार करना पड़ा, आज भी आप यात्रा पे जा रहे हैं। स्क्वाड की बात नहीं है, अब जाम जब रहेगा तो उससे बहुत चीजों का नुकसान होता है, प्रदूषण की बात आए, तेल जलने की बात आए, लोगों का समय खेल होना। और आप देखते होंगे कि अभी जो रोड जो बना मोबाइल जहाँ चीफ जस्टिस को उतरना पड़ा, उतर करके चलना पड़ा जो गया कि जो रोड है, तो आप देखिएगा यही हाल जो है छपड़ा वाला है, सोनपुर वाला जो आप जाते हो छपड़ा के लिए जो बन रहा है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ, कितने सालों से बन रहा है। तो ये तो डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन के राज में एक सड़क नहीं बन पाई। बात अभी जो है जितने भी परीक्षाएं जो बिहार में होती हैं, चाहे मैट्रिक को लेकर के हो या किसी बहाली को लेकर के अगर परीक्षा होती है, तो हर बार नीतीश कुमार जी के सरकार में पेपर लीक हो जाता है, हर बार पेपर लीक होता है। जब पेपर लीक होता है तो जितने हमारे परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं वो सड़क पे आकर के सरकार की कमियों को अगर गिनाते हैं, विरोध करते हैं, सुधारने की मांग करते हैं, तो लगातार जो है सरकार उल्टा डंडा मरवाने का काम करती है, चाहे सिपाही वाले में भी हो, चाहे मैट्रिक में। हम लोगों ने सब देखा है कि बिहार में कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, हर बार जो है पेपर लीक होता है, और लोग मांग कर रहे हैं उनकी सुधार के लिए, तो सरकार डंडा मरवाने का काम कर रही है। तो इसकी कितनी भी घोर निंदा की जाए।